गुड मॉर्निंग सबको, जय माता दी। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के बच्चों के 10:30 10:30 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। जैसे आप लोगों को पता है मैं गई थी बाबा जी के दर्शन करने। तो चलो आगे की बात करते हैं। तो फ्रेंड मैं बता दूँ आप लोग, जो मैं पिछले साल गई थी तो मैं वो खुद की गाड़ी से गई थी। मेरे भैया, मेरे पापा और मैं और मेरी सिस्टर और जो गाड़ी के ड्राइवर थे वो मेरे जीजा थे, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड है उनके वो पति थे, ठीक है, तो मेरे जीजा ही थे। तो हम इतने लोग गए। तो अब की बार मैं गई थी अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ में, तो मैं गई थी अब की बार ट्रेन से। वैसे मैं ट्रेन का सफ़र तो मुझे कहीं करने को मिला ही नहीं है। दो बार मैं फतेहपुर गई हूँ, वो आप लोगों को पता होगा। पिछले साल जब मैं जा रही थी फतेहपुर, तो मैं फतेहपुर गई थी। वैसे ट्रेन का सफ़र करने में बहुत अच्छा लगा, और अच्छा वो इसलिए लगा क्योंकि अगर मुझे घिच पिच में जाने पड़ता ना तो ज़्यादा ही मतलब ऐसा लगता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है। हमें सीट मिली थी, सीट से गए बैठ गए, क्योंकि जब भीड़ रहती है ना तो फ्रेंड समझ सकते हो दूर पड़ता है। लगभग दिल्ली से रिंगस तक का 6 घंटे का रास्ता है, 6 घंटे का रास्ता। उसमें कहीं भी लेट भी होती है ट्रेन, कभी खड़ी भी होती है। जैसे स्टेशन आता कोई तो वहाँ पे रुकते भी हैं, तो लेट तो होते ही होते हैं। तो फ्रेंड मैं बता दूँ, जो बाबा जी के दर्शन करने का सफ़र रहा बहुत अच्छा रहा, आप लोगों की दुआ कृपा से और बाबा जी की दुआ से बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो आगे हम बात करते हैं। तो फ्रेंड मैं काफ़ी पहले, अभी 1 साल पहले की बात है, लगभग मैं 2-3 साल से सोच रही थी। मैं बोलती थी सबको कि मैं भी चलूँगी खाटू श्याम बाबा। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मैं चलूँगी। तो हाँ, अब अगले महीने चलेंगे, कभी वो नहीं जा रहे, कभी ये नहीं जा रहे। सभी लोग बोलते कभी गए थे नहीं, तो थोड़ा सा डर रहता था मतलब मन में कि कितना भीड़ होती है, क्या है, कैसे है, इंसान कोई नहीं जानता, तो मैं भी नहीं जानती थी। लेकिन ऐसी बाबा की दुआ हुई, हाँ मैं मतलब हम हारे कुछ भी, मेरे साथ कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने बाबा को पुकारा तो बाबा ने मुझे अपने धाम बुलाया। और 1 साल जब हुई बाबा ने मुझे अपने धाम फिर दोबारा बुला लिया, ठीक है। ये बाबा का आवाज़ है, कहाँ मैं 3 साल पहले सोच रही नहीं जा पाई, फिर मेरे बाबा ने मुझे बुला लिया, और मेरे बाबा ने साल भर के भीतर मुझे फिर बुला लिया। और आप लोगों की दुआ रही और बाबा की, कहते ना बाबा की कृपा रही मेरे सिर पर, उनका हाथ रहा, तो मैं फिर जल्दी जाऊँगी। तो फ्रेंड मुझे वहाँ का सब कुछ अच्छा लगा, जो भी रहन सहन है, वहाँ के लोग जो हैं बहुत रिस्पेक्ट करते, बहुत अच्छे से बात करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से करते हैं, मैं आप लोग बता नहीं सकती। एक होता है ना कि जैसे हम लोग रिंगस से जाते हैं, रिंगस से ऑटो वगैरह चलते हैं, और जो क्या बोलेरो वाली गाड़ी चलती है उन्हीं से सभी लेके जाते हैं। रिंगस से खाटू श्याम बाबा धाम तक का 50 रुपये किराया, और जो वहाँ के लोग जो रूम रेंट वाले हैं ना, वो लोग कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि दुकान वाले हो गए, और हमारी जो खरीदारी वाले हो गए, और जो रूम देते हैं, वो लोग बहुत अच्छे हो गए। वो अच्छे इसलिए हो गए क्योंकि जैसे हम लोग वहाँ उतरते हैं तो वो इतने अच्छे से बात करते हैं कि आपको रूम चाहिए मैडम या भैया जो भी है, अच्छे से मतलब बात करते, कोई झिक 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 नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आपको पसंद है तो ले लो, नहीं पसंद हो लेके जाते हैं खुद की गाड़ी से, वो बेचारे खुद की गाड़ी से वो लेके जाएंगे और मतलब दिखा के लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रहो, नहीं अच्छा लग रहा तो मत रहो। एक ये नहीं होता है कि पैसा दोगे तो रहोगे, नहीं दोगे तो, ऐसा कुछ नहीं। उनकी कुछ जो कहते हैं ना, उनकी जो आवाज़ है ना बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे, राजस्थानी लोग सभी अच्छे, बहुत अच्छे से बात करते। मैंने ये तो देखा है, क्योंकि पिछली बार गई थी तो मैं इतना नहीं घूम पाई थी, क्योंकि देखो दीपावली भी थी और दीपावली का टाइम था, तो हम लोग इतना नहीं बोले। अब की बार गए तो हम अब की बार सब लोग पैदल गए, थोड़ा सा अंदर भी गए थे हम लोग घूमने के लिए, तो वहाँ का थोड़ा सा इसलिए पता चला कि कौन कैसे हैं कौन नहीं, तो बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड मैं बता दूँ आप लोग, बाकी मुझे सब अच्छा लगा, बाबा जी के दर्शन अच्छे से हुए, सब बढ़िया हुआ, बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं अच्छे से रही भी वहाँ पर और अच्छे से आ भी गए। लेकिन मुझे एक चीज़ वहाँ पर जो मुझे लगा वो मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि वो चीज़ आपको भी हट करेगी। बताएं क्या, हम यहाँ से क्या क्या तमन्ना लेके नहीं जाते हैं, जाते हैं ना कि जाएंगे बाबा जी के दर्शन करेंगे, अच्छे से प्रसाद चढ़ाएंगे, अच्छे से बाबा जी को देखेंगे। एक इंसान के मन में ना एक तमन्ना होती है, वो तो बाबा जी हैं, वो तो महाराज जी, वो तो भगवान है मेरे लिए, वो तो हमारी आवाज़ कहीं से भी सुनते हैं, लेकिन हमारे मन में फिर भी रहता है कि मेरे सामने मेरे बाबा हों और मैं उनको देखूं, उनके सामने अपनी शिकायत करूं, जो हमारे मन में है होता है। आप लोग कमेंट करें जरूर बताना प्लीज, कोई बुरा मत माना, एक होता है ना। लेकिन भाई चीज़ जब नहीं मिलती है ना तो मतलब बहुत बुरा फील होता है,
हमने कितना कितना मतलब सोच के जाते हैं, रास्ते में कष्ट भी होता है, परेशानी भी होती, दिक्कत भी होती, बस सोचते हैं बाबा की एक बार दर्शन हो जाए और वहाँ तक जाए हम अच्छे से प्रसाद भी ना चढ़ा पाए, अच्छे से बाबा जी के दर्शन भी ना। बाबा जी के दर्शन तो क्षण में ही होते हैं, वही हो जाना बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है हम लोगों के लिए, क्योंकि कितनी संख्या जाती है लेकिन दर्शन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दर्शन, लेकिन वहाँ की जो सिक्योरिटी लगी होती है ना, सिक्योरिटी मतलब ये नहीं होता है कि मतलब है ना, एक चीज बोलते हैं ना कि प्यार से प्रसाद चढ़ो, वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं ना, मैं सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, वहाँ के बाबा लोगों सबकी बात, सिक्योरिटी लोग भी मतलब इतना वो करो, उनको ये नहीं लगता कि ये लोग कितना दूर से आए, कैसे आए, कैसे कैसे आए होंगे, क्या मन में इच्छा लेके आए, तो उन्हें कम से कम ढंग से प्रसाद चढ़ाने दें। सर भी टेकना मुश्किल कर देते हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी वालों की बात कर रही हूँ मैं, बताइए आप लोग, जबकि बाबा जी के दर्शन थोड़े से दूर से होते। बस मुझे यही चीज बेकार लगती है, बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोग इस चीज से सहमत हो तो आप लोग जरूर बताना कि हम भी जाते हैं, कुछ उम्मीद लेके जाते हैं हम। ठीक है, दर्शन तो बाबा जी के क्षण में ही होते हैं, जैसे हमारे मथुरा बांके बिहारी जी के दर्शन बहुत क्षण में होते हैं, लेकिन हमें प्रसाद चढ़ाने का भी टाइम दिया जाए ना, वहाँ पे 2 सेकंड से दिए ही जाए कम से कम उनके पास, माता टेकने का, माता तो हम रोड पे टेक देंगे, कहीं भी टेक देंगे, वो मेरे भगवान, वो मुझे वो मेरी आवाज़ कहीं से भी सुन लेंगे, मेरी अर्जी कहीं से ही लगा देंगे। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है इतनी, अगर ये वीडियो जो भी हमारे लोग देख रहे हैं या देखेंगे तो प्लीज़ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, 2 सेकंड का टाइम इंसान को जरूर दे। एक कहता ना इंसान 2 सेकंड में बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ बोल रहा है। जहाँ तक कि मैं आप लोग बता दूँ, लोग वहाँ पे ऐसे से सिक्योरिटी वाले थे ना, ऐसे से कि प्रसाद रखा हुआ उठा के हाथ में दे रहे थे, वापस की वहां जाके चढ़ाओ ऐसे बोल दे रहे थे। लेकिन मैं भी वहां जिद्दी थी, मैंने वही चढ़ाया जा चढ़ना चाहिए, जहां पे है दान पत्र में वही चढ़ाऊंगी, जहां जो चीज चढ़े में वही चढ़ाऊंगी, मैंने चढ़ाया। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, सच्ची बता रही हूँ, सबको सोचना चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट कर जरूर बताना कि हाँ ये चीज़ हट करती है नहीं करती है, कि मतलब हम कितना सोच के जाते हैं, क्या क्या सोच के जाते हैं। तो मेरे साथ वही वो तो अच्छा नहीं, हम प्रसाद खरीदे कि अच्छे से उन्हें चढ़ाएं या कुछ भी है, तो वही चीज़ हट करती है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और भीड़ तो देखो होती है, तो भीड़ के अनुसार ये भी सोचो ना, उस हिसाब से काम करो कि इंसान अच्छे से दर्शन कर सके, है ना, प्रसाद चढ़ा सके। अब ये क्या मैं प्रसाद लेके जा रही हूँ, बाबा जी तो कहीं से, मैं कह रही ना बाबा जी तो कहीं से भी खा ले, मैंने खरीदा होगा शायद बाबा जी को, अगर लगा होगा कि मेरे भक्त ने प्रसाद खरीदा तो मेरे बाबा जी ने हो सकता वो भोग पहले लगा लिया होगा, क्यों वो महाराज जी मेरे भगवान है, लेकिन हमारा हक बनता मैं शौक से रखी। अब ये क्या मतलब मैं भरूं और बुक्का फेंकूं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता ना। आप लोग भी बताइए मुझे कमेंट करके, बस मुझे ये चीज थोड़ा सा वहां जाके या कहीं भी मतलब बात कर रही हूँ, अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि जो बड़े लोग हैं वो स्पेशली में जाके दर्शन करेंगे, है ना, वो लोग पास से जाके दर्शन, छोटे लोग दर्शन करें, छोटे लोग भगवान नहीं है, वो भगवान सबके हैं, वो भगवान जी सबके हैं। ठीक है, तो भाई मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो जो भी ये लोग देख रहे हैं तो प्लीज 2 मिनट का या 2 सेकंड उस इंसान को टाइम जरूर दो, वो अच्छे से बाबा जी को फूल दे सके, और जो भी उसके मन में वो उनसे 2 मिनट के लिए वहाँ खड़े होकर कह सके, इतना टाइम जरूर दें। फिर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगता है लाइक शेयर कमेंट करना, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोग जरूर बताना कि मैंने जो भी बताया वो आप लोग उस बात से सहमत हो या नहीं। ठीक है, बाय बाय।